So Salman sir had noticed us when we were doing Bigg Boss 4K ads ki jab Milan Luthria was directing it. He had noticed us that we have a very good acumen for direction. साउथ सिनेमा की फिल्में तो कमाल थी स्टार्टिंग से. इट जस्ट दैट व्हेन इट द नंबर्स दैट इट स्टार्टेड टू डू विद द कमिंग ऑफ बाहुबली एंड ऑल दीज थिंग्स. क्योंकि मैं गरीबी से उठा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये स्ट्रगल क्या होती है कि आपके पास जब कुछ नहीं होता है, पूरी दुनिया आपके खिलाफ है. पिक्चर चली तो लोग आपको घास डालेंगे, पिक्चर पिट गई तो आप भी सोच. Hi, this is Jaya and you're watching me on Bollywood Now. आज है हमारे साथ the actor, the director, the producer, Tahir Sabir. Hi, Tahir. Hi, Jaya. Welcome to Bollywood Now. It's my honor and pleasure. कैसे हो आप? First class, टकाटक. अपना शो का अभी अभी ट्रेलर निकला है. I hope you all have seen it. Yes. So, super chuffed. Karma Calling. Karma Calling. Yes. Tahir, I would like to start वहीं से जहाँ से मैं आपसे conversation कर रही थी ऑफ कैमरा, कि 16 साल की उम्र से आपने काम करना स्टार्ट कर दिया था. राइट. तब से अब तक हाउ डू यू लुक योर जर्नी? वेल, इट्स बीन अ फैसिनेटिंग जर्नी. दो तीन चीजें बहुत जरूरी है कहना. वो 16 साल का लगता बहुत कूल है जो भी देख रहा है, पर वो बड़ा मुश्किल होता है. क्योंकि मेरी एक्चुअली ना फाइट थी अपने अब्बा से. क्योंकि माई फादर वॉज अ वेरी नोन पर्सन इन आर कम्युनिटी. एवरीबडी यूज्ड टू से, अरे देखो शब्बीर भाई का बेटा जा रहा है. सो मुझे बड़ी वो मुझे एक खलिश थी अंदर से. मतलब आई वांट टू बी बेटर देन माय डैड. सो आई स्टार्टेड डूइंग ऑड जॉब्स. मैं पासेस वगैरह बेचता था. वो था न्यू ईयर की पासेस आती है. Yes. 500 रुपए में लेता था और 1000 रुपए में बेचता था. तो वो सब करते 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 आई स्टार्टेड वर्किंग 60 एट द एज ऑफ 14. आई रियलाइज दैट सिनेमा इज व्हाट आई लव द मोस्ट. सो द जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड देयर, बट आई डिडंट नो दैट आई विल बी फॉर्चुनेट इनफ टू लास्ट सो मेनी ईयर्स. So the personal factor of how I loved cinema and how much pressure I had on myself, which without knowing of competing with my own father, then with the world, I think led me to where I am today. और अगर मैं आपकी turning point की बात करूँ, right? तो turning point आप किसे मानते हैं? कौन से show को या कौन से movie को? As an actor? Yes. Well, as an actor, I have to say Nisha और उसके cousins. क्योंकि मैं कभी TV करने वाला नहीं था यार. मैं ऐसा था ना, बिकॉज आई केम इन टू द फिल्म इंडस्ट्री इन 2006. तो तभी ऐसा था, स्लॉटिंग होती थी कि तुम टीवी एक्टर हो, तुम फिल्म एक्टर हो. एंड आई वॉज पार्क्ड एट अ वेरी बिग प्रेस्टीजियस प्रोडक्शन हाउस एंड आई वॉज गोइंग टू बी लॉन्च्ड. सो वो सारी चीज़ें चल रही थी. उसमें मेरा एक भाई है विराफ पटेल करके, हु इज ऑल्सो इन द शो कर्मा कॉलिंग. तो ही सेड ताहिर तू एक टीवी शो आ रहा है, निशा और उसके कजिन है. इट्स अबाउट अ मैन हु इज एम्पावरिंग वुमेन. आई सेड हो ही नहीं सकता, कोई करता ही नहीं है टीवी में ऐसा. बट देन आई मेट पर्सेस एंड मौतिक एंड सुकेश एंड दे वर सच ब्यूटीफुल प्रोड्यूसर्स एंड क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स. तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कहा कमाल है. सो आई थिंक एंड व्हेन आई डिड इट, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ एज एन एक्टर. और वो स्टारडम, टीवी का स्टारडम बड़ा कमाल होता है ना. आपने आज शूटिंग किया है और तीसरे दिन पे स्टारडम आता है. लाइक हाँ, इट्स नॉट लाइक अ मूवी कि आपने पिक्चर शूट की है, फिर उसके बाद लंबा एडिटिंग होता है, फिर उसको प्रमोट होता है, फिर अगर पिक्चर चली तो लोग आपको घास डालेंगे, पिक्चर पिट गई तो आप भी. सो इट वाज, आई वाज लाइक हाँ, आई वाज वॉकिंग इन चौपाटी एंड दीज गुजराती आंटीज आर लाइक हे विराज विराज. मैंने कहा अभी मैं 3 दिन पहले शूटिंग कर रहा था, अभी 3 दिन में यार ये लोग मुझे कैसे पहचानने लगे. सो या आई थिंक दैट वाज स्वीट. All my fans who still support me, you know, like if you see the fan pages of there's Tahir SM fangirl, yes. and Chronicles of Tahir, and there's a G7 gang. आज तक मेरे साथ है, you know. So I just, that turning point was just too big. कोई ऐसा अच्छा या ऐसे memorable fan encounter types कुछ हुआ? हाँ हाँ, नहीं नहीं बहुत हुए. मुझे तो विश्वास नहीं होता आज तक. कभी कभार जो it's varied, right? Like one girl had sent me, which is not very nice, I never say it. There was a girl in Guwahati who sent me something. Now, it looked like blood to me. And she said that it's blood. I hope it was not blood. Maybe she was too young to understand that it was a prank. That was overwhelming. Mujhe laga, yaar, ye kya ho raha hai? And then there was, there was a big celebrity who I used to be a big fan of. And the celebrity came to me and said, dude, you're so hot. Uh-huh. It's Viraj Rathore. थैंक यू, दैट वॉज ओवरवेलमिंग. फिर जब मैं गिल्टी कर रहा था, सो गिल्टी वॉज रिलीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो अबाउट आई थिंक 70 देशों में रिलीज हुई. सो दीज रियली गुड लुकिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर मैसेजिंग मी एंड थिंक वी विश वी कैन कम एंड मीट यू.
तो मैं ऐसे सोच रहा था आई विश आई कुड कम एंड मीट यू. सो ऐसी काफ़ी सारी दुर्घटनाएं घटी है एंड इट्स ओवरवेलमिंग. देयर इज नथिंग, देयर इज नो ग्रेटर ब्लेसिंग देन बीइंग एन एक्टर. आई वुड लाइक टू आस्क ताहिर कि आपने ना ओटीटी में भी काम कर लिया, अब पहले मतलब मूवीज में भी काम कर लिया और टेलीविजन में भी काम कर लिया. अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में या इन कौन से मीडियम में आपको काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं? ऑनेस्टली फिल्मों में और ओटीटी में ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि आपको दोनों में ही क्रिएटिव फ्रीडम ज़्यादा मिलता है. और मैं कंपेयर नहीं करना चाहता टीवी से क्योंकि टीवी इज लाइक अ न्यूज़पेपर. आप जब न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो अगले दिन थोड़ी ना फिर से पढ़ते हो आप उसको लेके, या तो उससे कुछ फ्रिज साफ करते हो टीवी साफ करते हो उससे. सो टीवी इज लाइक दैट, इट इज ऑल्सो मेड लाइक दैट, इट्स अ डेली छापा. सो आई डोंट वांट टू कंपेयर इट, इट्स एसेंशियल एंड इट गिव्स यू इंस्टेंट लव अफेक्शन मनी फेम ऑल ऑफ दैट. द इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन इज ओटीटी और फिल्म. वो दोनों का जो माध्यम है सिमिलर है अभी, पर ये हो गया बिकॉज बजट कंस्ट्रेंट्स हो गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो आपको कंटेंट ज़्यादा बनाना चाहते हैं. तो अभी वो वहाँ थोड़ा टीवी की ओर जा रहा है इन टर्म्स ऑफ शूटिंग. क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल अगर आप फिल्म में दो सीन शूट करते हो दिन में, अभी आपको छः सीन करने पड़ रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर अ वेरी सिमिलर मीडियम. आई वुड ऑलवेज लुक एट इट लाइक अ क्रिएटिव फ्रीडम. जहाँ पे भी मुझे क्रिएटिव फ्रीडम ज़्यादा मिलता है वो माध्यम मुझे ज़्यादा पसंद. सो इन विज़ावी फिल्म और ओटीटी. यस, अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूँ तो यू वेंट इनटू एक्टिंग एंड देन डायरेक्शन एंड देन प्रोड्यूसिंग फिल्म. नाउ योर प्रोड्यूसर, इससे पहले भी आपने एक फिल्म को प्रोड्यूस किया है. दिस इज योर सेकंड फिल्म कर्मा कॉलिंग. इट्स अ सो माय फर्स्ट प्रोडक्शन वाज अ शो, वाज अ फिल्म कॉल्ड हनुमान द दमदार. दैट्स आल्सो ऑन हॉटस्टार ओनली इंसिडेंटली विद सलमान सर, वेरी स्वीटली डिड. रवीना मैम वाज आल्सो इन इट. उसके बाद मैंने एक और शो किया हॉटस्टार पे ही, उसका नाम है 100. उसमें लारा दत्ता और रिंकू राजगुरु है, विच आशुतोष एंड आई आल्सो डायरेक्टेड रोट प्रोड्यूस. बट वो लॉकडाउन के समय आई, हमें वक्त नहीं मिला उसको, हम लोग ऐसे मार्केट नहीं कर पाए. सो दैट केम, दिस इज अ बिगेस्ट कर्मा कॉलिंग इज अ बिगेस्ट शो सो फार. सो दैट्स या दैट्स मैमथ. बट व्हाई डिड यू स्विच, लाइक क्या रीजन था डायरेक्शन में और प्रोड्यूसर में? यार एक्चुअली अगर आप मेरी हिस्ट्री देखो ना, सो एक्टिंग कभी कार्ड्स पे नहीं था. क्योंकि उस जमाने में मेरी एक मंगेतर हुआ करती थी और सो मेरे जो आसपास के लोग थे ना, मुझे एक्टिंग करने नहीं दे रहे थे. और मुझे एक्टिंग में फ्रैंकली इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज आई वॉज एन एक्टर एज अ चाइल्ड. पर्ल पदामसी इफ यू नो द ग्रेट एक्ट्रेस. तो जब मैं छोटा था, 3-4 साल 5 साल का था आई थिंक, तब से मेरी अम्मी और मैं भिंडी बाजार में पला बड़ा हूँ. खासी गरीबी थी वहाँ पे, आई एम ग्रोइंग अप इन द गेटो. तो मैं थोड़ा जैसे मेरा भी जैसे आई लव जगू सर, जैकी सर इज ऑल्सो लाइक अपना भी पूरा भिड़ू जैसे भिड़ू साइड टू ऑल्सो ना, हम बॉम्बे 3 के रहने वाले. तो मम्मी ने बोला ये खाली भिड़ू ना बन जाए. तो मम्मी ने थोड़ा इंग्लिश थिएटर करवा लिया. तो ऐसा फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर इयर्स, आई कम टू बेयर अ सीजर बट नॉट टू प्रेज यू. ऐसा पूरा ऐसा टकाटक, दैट्स हाउ आई कैन स्पीक, हाउ आई स्पीक. देन दे पुट मी इन अ गुड स्कूल. सो मैं पहले एक्टर रहा विच यू आर राइट. पर फिर एक्टिंग से मेरा इतना लगाव, जैसे वो बात हमेशा होती है कि मुझे एक्टिंग ज़्यादा पसंद है या डायरेक्शन क्या बेटर है, मैं हमेशा से सिनेमा से बहुत प्रभावित हुआ हूँ. एंड आई लव सिनेमा क्योंकि एक बड़ा क्विकली एक किस्सा बता देता हूँ कि क्यों. क्योंकि जब मैं छोटा था ना, हमारे वहाँ गरीबी और तंगी कितनी भी होती थी, मेरे अब्बा हमेशा ना हफ्ते में एक बार हमें फिल्म दिखाने ले जाते थे. एवरी वीक वी वुड वॉच अ फिल्म. वो वाहियात सी वाहियात पिक्चर क्यों ना हो, मैं जब बड़ा हुआ मेरे अब्बा को पूछता था हाउ कुड यू टेक मी टू वॉच दलाल. एक मिथुन सर की पिक्चर थी दलाल. तब मैं कुछ 10-12 साल का था. मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, पर ले जा रहे हमको, ठीक है. सो मैंने हर चीज़ें, जैसे मैं 6-7 साल का रहूँगा जब राजा बाबू आई थी, सर सिंह ई. सो आई वॉज एक्सपोज टू सिनेमा एट दैट एज, राइट. और मैं हर पिक्चर, स्टंटमैन, आप मुझे कोई भी पिक्चर बता दो, मैंने हर पिक्चर देखी थी उस समय. तो डिफरेंस इतना था, जब थोड़ा धंधा अच्छा होता था तो हम लोग ऊपर बैल्कनी में बैठते थे, और जब डैडी थोड़े उस हफ्ते पैसे कम होते तो हम लोग स्टॉल में बैठते थे, बस उतना अंतर था. सो व्हाट हैपेंड इज इन दैट इंटरेस्टिंग टाइम, एक मुझे भी याद है, आई थिंक रंगीला फिल्म थी, और अनिल अंबानी सर की जो फैमिली है, अंबानी इज़ अ रिच पीपल. सो उन्होंने 3-4 ईरोस थिएटर था, उसके अंदर उन्होंने 6-7 लेन ब्लॉक कर दी थी, और वो 5 जन बैठे थे. तो मैंने मेरे अम्मी अब्बा को बोला यार ये लोग कौन है यार, हम लोग ऐसे मतलब सट सटा के बैठे हुए,
ये लोग छह लोग बॉडीगार्ड इसे नहीं बेटा दिया दिस उद्योगपति है ये बोला अच्छा. और फिर जब गाना खत्म हुआ आपको सबको गाने तो याद होंगे उस पिक्चर के या ही रे जोर मचा के नाच रहे एक्सेट्रा. तो जब इंटरवल हुआ ना तो उनके भी बच्चे बड़े छोटे ही हमारे हम उम्र होंगे तो हम लोग जब वहाँ पे कोन मिलता था उस जमाने में कोन और पॉपकॉर्न बस दो ही चीज़ मिलती थी तो सब लोग हम लोग उसी गाने पे नाच रहे थे बाहर. तो मैंने कहा यार ये कमाल का मुजस्सिमा इट्स मैजिक सिनेमा एक मैजिक है जो अमीर गरीब जाति भेदभाव वो कुछ है ही नहीं उसमें. उसमें इतनी ताकत है कि आप हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो आप जो भी हो आप जब सिनेमा देखने जाते हो ना वो आपको इक्वल कर देता है. आप अमीर हो आप गरीब हो उससे कोई लेना देना ही नहीं है. इट पुट्स यू इन अ स्पेस वो जैसा वो पर्दा गिरता है जब अंधेरा होता है यू आर ऑल वन एंड आई थिंक वो ताकत कमाल है. सो मैं बड़ा छोटा था और ये रियलाइज़ हो गया मुझे. मैं 14 साल का था. आई रिमेंबर द टाइम आई वाज इन आई थिंक 8th or 9th grade एंड आई वाज लाइक यही करना है. तब से मैं सिनेमा का पुजारी बन चुका हूँ. आई एम अ स्लेव टू सिनेमा. सो आप एक्टिंग बोलो या डायरेक्शन बोलो या आप प्रोड्यूसिंग बोलो आप मुझे जमादार बना दो कुछ भी करा लो सिनेमा में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ. एंड इट लाइक द जंप दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल्सो मुझे कभी लगा ही नहीं क्योंकि मैं पहले एक्टर था उसके बाद आशुतोष और मैं डायरेक्ट करने लग गए. उसके बाद ऐसा हुआ कि जब हम एडवर्टाइजिंग डायरेक्ट कर रहे थे इन एड्स सो बोलना नहीं चाहिए पर कई जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको खाली पैसे कमाने होते हैं. सो व्हेन आई वाज मेकिंग द मनी आई रियलाइज कि ये लोग बहुत पैसा जो है ना अपने खाचे में रख देते हैं. प्रोड्यूसर को पैसा बनाना होता है. हाँ तो हमने बोला यार ऐसे क्यों होता है खुद ही प्रोड्यूसर बन जाते हैं पूरे पैसे हम ही लेंगे और पूरे फूंक डालेंगे पिक्चर पे. हमको तो मर्सिडीज गाड़ी चलाने का कोई शौक था नहीं. वी आर प्योरिस्ट. सो वैसे बनते बनते प्रोड्यूसर बन गए. सुधीर मिश्रा के साथ काम किया. ही ट्रेन्स यू टू बिकम अ डायरेक्टर ही ट्रेन्स यू टू बी अ प्रोड्यूसर ही ट्रेन्स यू टू बी एवरीथिंग. सो हमारी ट्रेनिंग में था ऐसा नहीं कि वो जैसे हमको कल हम जो मीडिया इंटरव्यूज देते हैं बोला प्रोड्यूसर जॉब इज सो डिफिकल्ट. वी आर लाइक अच्छा इट्स डिफिकल्ट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि हमको इश्क इतना है सिनेमा से कि हमको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगता. आप हमको दो हम करते रहेंगे बस. एज अ सिनेमा लवर व्हेयर इज सिनेमा गोइंग अभी किस टाइप के सिनेमा ऑडियंस को देखना पसंद आ रहा है ये इफ आई आस्क यू. ये मुझे पता चल जाए तो मैं वैसे ही बना दूं अभी. इसलिए पूछ रही हूं यू आर अ सिनेमा लवर यू नो. यस सी फॉर मी आई थिंक इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग जो पर आई डू फील एनीथिंग दैट एंटरटेन्स यू. आपको जो चीज एंटरटेन और एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं कि वो आप हंसा रहे हो या स्लैपस्टिक कर रहे हो. इट्स नॉट दैट. एंटरटेनमेंट जैसे मैंने अभी अभी 12th फेल देखी. मैंने तीसरे सीन से लेके मैं आखिरी सीन तक रो रहा था मैं क्योंकि मैं गरीबी से उठा हूँ. मैं जानता हूँ कि ये स्ट्रगल क्या होती है कि आपके पास जब कुछ नहीं होता है पूरी दुनिया आपके खिलाफ है पर आपको पता है आपको क्या करना है और आपको आपकी फैमिली के करना है आपको आपको देश के लिए करना है. सो फॉर मी दैट इज़ एंटरटेनमेंट कि आपने किसी के साथ रेजिनेट किया. यू फील दैट योर in one with what you're watching. So I think anything, any film or any show or any content for that matter, agar aapse resonate karne lagta hai na, wo audience ko hamesha lagega. Like right now I feel is a time maine generally notice kiya hai pichle 7-8 saalon mein biopics are working a lot. Yes. Jaise aap kisi ki real life ki kahani lo, jaise Manoj sir ki jo kahani hai 12th fail, who would have thought agar ye picture agar aap 15 saal pehle banate to koi dekhta hi nahi. Right, Vikrant Maisi whose work I genuinely love. Absolutely. Vikrant Maisi playing Manoj sir 15 years ago, it's a pagal hai kya? I remember he used to play second lead in Kumkum Balsam, one show which I used to see. That is the beauty of today's time, that you can become a star if you're good. It's tough to stop you. Totally, totally. I would like to ask Tahir aapse ki, you know, you were talking about struggle. To ek jagah banana industry mein, right. It's difficult. Oh yeah. Theek hai. Yeah. How do you see it? यार मेरा ऐसा है मैं बड़ा ऑनेस्टली कहता हूँ. एंड यू नो अक्सर ऐसा होता है कि वी ऑब्वियसली वी वांट टू बी समवेयर बट यू आर नॉट. बट आई फील इफ दैट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स. अगर आपके अगर आप कहीं पे अगर आपका एक मकाम था और आप वहाँ पे से थोड़े शॉर्ट पड़े हो आई थिंक अगर प्रिंसिपल्स की वजह से हो तो ठीक है. राइट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि क्या है ओपन रेस है. राइट कोई रूल्स नहीं है यहाँ पे. आप अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं शराब सिगरेट कुछ पीता नहीं हूँ मैंने कभी पार्टी नहीं की. सो इट कुड बी एज कम एज अ डिसएडवांटेज ऑल्सो इट हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस ऑल्सो बट इट्स एन ओपन रेस. अभी उस ओपन रेस में कोई कहाँ से भी लेके शॉर्टकट लेके किसी का भी सहारा लेके आपको आगे बढ़ सकता है. तो ज़रूरी ये नहीं है कि हाउ डू यू एस्टैब्लिश योर सेल्फ.
वॉट इज इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, इफ एनीबडी इज वॉचिंग दिस जो जो आना चाहता है इस इंडस्ट्री में, आई जस्ट फील के आपका जो रीजन है ना सिनेमा में आने का वो मत भूलिएगा. जैसे वी लाइक आशुतोष एंड आई ऑलवेज से दिस, इवन रुचि हूज आर मेंटर, हूज आर ए टी, हमारी जो कंपनी है आर ए टी फिल्म्स विच इज मेड कर्मा कॉलिंग एक्चुअली, और कर्मा कॉलिंग पे हम आज बैठे हैं. आप किसी को पता नहीं हमने 10 साल पहले उसको बनाना सोचा था. 10 साल का संघर्ष है जो आज जाके बन रहा है. इट्स नॉट ईजी. दिस क्वेश्चन इज वेरी पर्टिनेंट टू यही शो. कर्मा कॉलिंग को 10 साल लगे बनाने, क्योंकि हमने कई लोगों ने कहा यार राइट्स लेने की क्या जरूरत है, ऐसे ही बना ले यार. हमने कहा नहीं, हम राइट्स लेंगे, हम रुकेंगे, कोई चांस नहीं था. हमने इनफैक्ट गौरव बैनर्जी सर जो स्टार के हेड है, हमने उनको वही कहा, वो भी कह रहे थे यार तुम्हारा मैनिफेस्टेशन कितना स्ट्रांग होगा कि डिज्नी ने स्टार को जब खरीदा तो हम लोग ने फोन किया, बोला सर अभी तो पापा से गाड़ी की चाबी ले लीजिए, बिकॉज वी वेटेड 10 ईयर्स फॉर द राइट्स. सो वो हमारा प्रिंसिपल है. हम कभी चोरी चपाटी ये वो जो हमारा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो राइट है रॉन्ग है, टू ईच इज ओन. बट इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग, इफ़ यू डूइंग इट विथ योर प्रिंसिपल्स, थोड़ा वक्त लगेगा, पर जब एस्टेब्लिश करोगे कितना भी मुश्किल हो, अपने जो टर्म्स और कंडीशन है ना उस पर करेगा, उसका मजा ही कुछ और है. ग्रेट. आपके क्या पॉइंट्स थे कि हाँ मैं इस टाइप का ही काम करूँगा और इस टाइप का काम मैं नहीं करूँगा? करेक्ट. आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू. यार ऐसा है कि बिकॉज आई एम अ डीपली पायस पर्सन, नॉट इन टर्म्स ऑफ दिस रिलीजन, एक स्पिरिचुअलिटी होती है हर इंसान की. और ऑल्सो आई फील दैट आई हैव बीन हियर टू लॉन्ग. जैसे मैं कह रहा था 16-17 से लग गया था, आई थिंक मैं 18-19 का था जब मैंने कुर्बान की थी. दैट वॉज माई फर्स्ट एक्टिंग एक्सपीरियंस. शानू शर्मा एंड करण जोहर सेड यार, तब मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी आशुतोष और मैंने, कॉल्ड बियॉन्ड द गल्फ. सो मेरी ऐसी दाढ़ी थी और छोटे छोटे बाल थे, बोला तू बड़ा टेररिस्ट लग रहा है, तू इसमें चला जा रंजिल डिसिल्वा को मिल ले. तो मैं गया रंजिल डिसिल्वा को, रंजिल डिसिल्वा ने बोला तू ही है. एंड ही चेंज द नेम एंड ही पुट माई नेम ऑल्सो, ताहिर ओनली कॉल्ड द कैरेक्टर. सो मैंने कहा तब मैं यार मजे कर रहा था, मुझे न्यूयॉर्क जाने मिला एट दैट एज. सो वॉट आई रियलाइज ना ओवर द कॉर्स ऑफ टाइम इज दैट there is so much that goes on into our industry that you don't, in this journey from there to now, you have to realize that you don't lose yourself. Yes. You know what I'm saying? Your acumen, your prowess, at no point should it ever compromise into doing something that you don't want to. So Tahir, अभी क्या चल रहा है और अब क्या कर रहे हो, किस मूवीज पे काम करने वाले हो, या कुछ कोई आने वाला है कोई मूवी आपका, कहीं हम आपको देख पाएंगे, या यू नीड टू डायरेक्शन एंड प्रोड्यूसिंग? नो, आई एम डूइंग एवरीथिंग. सी द कंपनी आरईटी इज डूइंग इट्स ओन थिंग. वी आर डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स. लाइक आई वाज सेइंग कि हमारी जो मोहब्बत है ना, जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, वो तो हम कर ही रहे. जैसे हमारे एक जॉनर है जो हमें बेइंतहा इश्क है, उससे हम डेवलप कर रहे हैं. एज एन एक्टर अभी एक इंडी फिल्म की है, लेट्स होप इट टर्न्स आउट टू बी वेल. आई ऑल्सो ट्राई एंड डू 1 or 2 फिल्म्स इन अ ईयर विच आर लाइक यू नो विच इज हेल्पिंग न्यू कमर्स. एंड यू नो जितना भी मेरा ब्रांड वैल्यू है, मैं ऐड करके किसी और के साथ अपलिफ्ट कर सकूँ या उनका भी करियर शुरू हो जाए. अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज अ शो आई कॉन्ट टॉक अबाउट, क्योंकि 3 महीने से पोस्टपोन हुए जा रहा है, उसके लिए मेरे बाल वगैरह काटने पड़ेंगे. सो एक वो है. एंड देन अभी एक बात चल रही है, इनफैक्ट काला डिड रियली वेल फॉर माई सेल्फ. लाइक काला की वजह से फोन बंद नहीं हुआ मेरा, टच वुड. थैंक यू बिजॉय, थैंक यू टी सीरीज. सो दैट इज दे सम हैव अ पार्ट वेयर दे वांट टू प्ले मेक मी प्ले अ विलन. बट मेरा वो ही प्रॉब्लम है, आई डोंट वांट टू डू समथिंग सिमिलर इमीडिएटली. बट एक दो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो जैसे होगी मैं वापस इस काउच पे आके बताऊंगा. बट अदरवाइज आई एम अ लिटिल सुपरस्टिशियस. बट हाउ डू यू पिक अप योर कैरेक्टर्स? लाइक कैसे पिक करते हो कि ये कैरेक्टर्स पे ही मुझे स्टिक रहना है, या यू चेंज योर कैरेक्टर्स कि एक पे मैंने ये कर लिया तो दूसरे पे मैं नहीं करूंगा? सी द कैरेक्टर कम्स लेटर. मैं पहले स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ. फॉर मी द स्क्रिप्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट. द मोमेंट आई लाइक अ स्क्रिप्ट देन आई वर्क ऑन अ कैरेक्टर. एंड ऑल्सो एज एन एक्टर इज वेरी बोरिंग यार. अगर आप मैंने 8 चीज़ें की है जिंदगी में, पर आप उन 8 चीज को उठा के देखोगी ना, द वे आई वॉक, द वे आई स्माइल, द वे आई स्पीक इज डिफरेंट इन एवरी पार्ट. Like if you take a Naam Shabana, if you compare it to a Manikarnika, or if you compare it to a Guilty, everything will be different. My body is different, my voice is different. So I work very hard on characterization. But that's the step 2. Kyunki agar maine script mein ye interest nahi hai mujhe, to main character ka kya fayda? But yes, if a character is very close to the character I've just played, jaise maine agar abhi Naman Arya kiya hai, agar uske bahut hi milte-julte character aayega, fir mujhe maza nahi aayega.
फिर उससे अच्छा आई माइट एज वेल डू समथिंग वेयर आई विल राइट समथिंग और प्रोड्यूस समथिंग इन दैट मच टाइम व्हिच इज मोर डियरर टू मी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दैट्स हाउ आई चूज माय सब्जेक्ट ऑब्वियसली एक्टिंग इज माय प्रायोरिटी फॉर ऑल द फिल्म मेकर्स ओवर देयर वाचिंग दिस प्लीज प्लीज कुछ भेजिए मेरी तरफ मैं जान दे दूंगा अपनी हाँ जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कोई ऐसे फिल्म मेकर जैसे आपने भी फिल्म मेकर के बारे में बात करी कोई ऐसे फिल्म मेकर प्रोड्यूसर जिनके साथ आपको यू नो सिंस इट्स बीन 16 इयर्स सिंस यू आर वर्किंग ऐसे सिंस 16 यू आर वर्किंग ठीक है तो तब से कोई ऐसे कोई डायरेक्टर जिनके साथ आपको काम करने का हाँ आई विल टेल यू करण जौहर संजय लीला बंसाली राजकुमार हिरानी रोहित शेट्टी जोया अख्तर रुचि नारायण अगेन रीमा कागदी अलंकृता श्रीवास्तव हु एम आई मिसिंग यू आल्सो हेल्प मी लिटिल हु है विधु विनोद चोपड़ा नाउ आई डोंट माइंड सुधीर सर बुलाओ यार आई लव तिग्मांशु धूलिया राजा मौली राजा मौली आई विल पे सर टू बी इन द मूवी आई वांट टू नो दीज आर पीपल आई जेन्युइनली लव देयर इज नो लाइक देयर इज नो टू दो राय नहीं है इसमें And I have a special affinity towards female directors also. Because I think jo ek female point of view aata hai na ek picture mein. Yes. Wo, although I think, jaise hum log, because that's also the advantage of being an actor, writer, director, producer, right? Ke aap samajh sakte ho ke ek aurat ka perspective jo aata hai na script mein. Correct. That's why when jab Ashutosh aur main filmein likhte hai na, haan. Ek aurat ka hona bahut zaruri hai. Which is why Ruchi will always doctor it or we'll have a female writer with us. Because ek mard kabhi ek script mein wo aurat ka perspective khud likhi nahi sakta. And that's why I love female directors. Working with them is so much fun. There are very few. No, also, I have seen in my own 15 years career ke jab hum set pe kaam karte the to aurte thi nahi. Ab jab hum set pe aate 30-40% of it is all girls. All girls. And I'm like, well done, nice. That also shows the progress of an entire nation actually. Jab hum aaye the 2006 mein, tabhi hum log Alexa कोई सोचा भी नहीं था डिजिटल जो आज हम डिजिटल डिजिटल पे हम बैठे हुए तभी टेप्स थी सो वी केम एट द लास्ट लेग ऑफ द सेल्यूलॉइड फेज जब मैगजीन चलती थी 400 फुट का मैगजीन होता था जो हर 4 मिनट बाद खत्म हो जाता था तो सीन के बीच में अगर एक्टर हगा तो उसमें मैगजीन चेंज तो एक आता था सर मैगजीन चेंज हो गया सर So you're like, huh, what? And we had to go change the magazine. And I was a clapper boy tha, Khoya Khoya Chand. Pe. Hmm. So I had to go and give a clap. Kabhi kabhi na, starting mein pehle din pe haath aise dhurashte the. Kyunki agar aapne ek second late clap di na, aapko ek joota aata apne, aapki taraf. Because you could not waste the film. So the reason why I say age is because in the last 15 years, so much has changed. आपकी जो लाइट है उस जमाने में मुझे अभी भी याद है 8K करके एक लाइट होती है 8K किसी के वहाँ पर 8K आती है बोलते ओ 8K आई है वो आज बड़ा प्रोड्यूसर है यार अब जिमी जब आती थी बोलते ओ जिमी जब भाई ओ वाओ अभी हमारे पास टेलीस्कोपिक आर्म्स है हमारे पास स्कॉर्पियन आर्म्स है हमारे पास अकेला क्रेन आ गई है हमारे पास इतना इक्विपमेंट आ गया है लाइफ हैज बिकम सो A7S ओ वी वांट टू टेक दिस शॉट टेक इट ऑन अ GoPro तभी उस जमाने में आपको खोदना पड़ता था वी यूज टू डिग द ग्राउंड पुट द कैमरा इनसाइड एंड टेक वन शॉट ऑफ द बॉडी फॉलिंग नाउ ओ वी जस्ट टेक दिस ऑन द A7S And then we'll do it in the post. We'll shoot it 8K and we'll bring it down to 4K. ये नहीं होता था तभी यार जब हाई स्पीड दर्शकों को बता दूं जो स्लो मोशन आप देखते हो ना ऐसा स्लोली बॉडी गिरी है वैसे ला वो शूट करना बहुत मुश्किल होता है That's why my heart goes out to the actors because लाइटें बहुत लगती है तो उसमें एक ही फोटोसोनिक कैमरा था प्रहलाद कक्कर के पास जो हम अग्निपथ में यूज कर रहे थे फॉर द गणपति सॉन्ग वी वर द फर्स्ट AD सेकेंड डायरेक्टर्स ऑन अग्निपथ ऑल्सो तो उसमें वो जब कैमरा चलता है ना ऐसा ऐसा लगता है मशीन गन चल रही है सर दिख 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 आजकल के कैमरास में उच्चक अच्छक व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग दैट आल्सो वांटेड टू आस्क जैसे कि फीमेल और मेल डायरेक्टर्स के बारे में ही बात कर रही थी मैं तो व्हाट आर द डिफरेंस यू नो मेल डायरेक्टर्स के साथ काम करने का और फीमेल डायरेक्टर्स के साथ काम करने का यार मेरे को एक्चुअली डायरेक्टर डायरेक्टर होता है ऑनेस्टली दे आर ऑल आई एम नॉट ट्राइंग टू बी सेक्सिस्ट ओवर हियर फर्स्टली आई लव देम बोथ But my personal preference is only because, you know, I've worked more with women because Ruchi is a partner. I've done Guilty with her. Like I just finished with Bijoy. So they are all excellent. But what I like in as an artist in general, not as an actor, is that there is a point of view. Mm-hmm. I don't know how to explain it. It's not tangible. Because jab abhi like koi, you'll believe when I tell you, right? Mm-hmm. It used to be a man's world. Okay. Koi usme do raay nahi hai. Jaise toilet... सेम साइज का आएगा
भले एक टाइम पे 10 मर्द जा सकते हैं, औरतें 3 ही जा सकती है, पर साइज सेम ही होएगा. सो इट्स अ मैंस वर्ल्ड, दैट इटसेल्फ विल टेल यू दैट. सो आई फील दैट द टाइम हैज कम, एज एन आर्टिस्ट वी रियलाइज दैट द पॉइंट ऑफ व्यू आई एंजॉय बेटर बिकॉज देयर इज अ टेक व्हिच दे गिव एंड यू आर लाइक हां यार ये तो ये सोचा नहीं था. You know, like my mother is a feminist. She brought us up as feminist. She would always say, you know, like कोई ऐसा बोलेगा कि चचा वचा बोलेगा क्या क्या लड़की हो जैसे रो रहा है. So my mother is like, you cry, you don't worry, nothing is wrong. Why? Girls, boys, what nonsense? Anybody can cry. So that is very important. So that I'm a little biased towards a female point of view. But yeah, I love them both. Yeah, but how was your experience being a assistant, associate, director? Fantastic. Yeah, I mean. Being an AD shaped everything that we are today. I'd love to say on this platform, Sudhir Mishra, Ruchi Narayan, people who, Sudhir sir got us here, Madhur sir also would have asked, but we had to choose, so we worked with Sudhir. Pehli picture mein hum log AD number 9 aur 10 the, picture khatam hote hote hum associate director ban gaye. Aur second film pe, we were associate directors, second unit directors and executive producers, Bali Umar mein. Then obviously we were first AD, second year directors on Once Upon a Time in Mumbai with Milan Luthria. Best film of our lives. It was a party. It was a hit film. उस set पे हमको समझ आ गया था. कभी-कभी set पे ही आप खड़े हो ना, आपको पता है कि ये picture blockbuster होने वाली है. So that film was the best time. उसके बाद we did Agnipath. Director नया था, करण मल्होत्रा करके. तभी we wanted to start directing, but रवि के चंद्रन के हम बहुत बड़े फैन हैं. आशुतोष और मैं, हम जब कॉलेज में थे तो आशुतोष हमेशा कहता था ब्रो एक दिन हम रवि के चंद्रन की पिक्चर करेंगे. और हम लोगों को करण जोहर से बहुत मोहब्बत है, लाइक ऑब्वियसली एवरीबडी लव्स हिम. सो बिकॉज करण वाज प्रोड्यूसिंग इट एंड रवि सर वाज शूटिंग इट, वी सेड करते नया डायरेक्टर है तो क्या हुआ. और एंड ऑब्वियसली उसको कई चीज़ें पता नहीं थी. सो वी वर, उसका विजन अच्छा था बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक इट लार्जर देन लाइफ. ही वॉज अ बिग, ही इज अ सुभाष गाई टाइप ऑफ अ outlook. So we said we'll make that vision come alive. So we thought we'll value add to that. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी. वो गणपति का जो गाना है जो हमने 4 दिन में शूट किया, उसमें also the greatest actors that we could work with is Sanjay Dutt and Rishi Kapoor. Ritik at his peak and his prime. Was so much to learn again from him. There's Priyanka, there was Zarina Wahab also. She was so good. Deven sir, there were so many actors. It's so enriching overall. Or Chinni Prakash sir was the choreographer on most of our songs. So us picture mein kafi sari cheeze seekhi. And then we, phir uske baad bahut ho gaya. Phir humne bola abhi AD nahi hota. Then we directed Bhag Milka Bhag second unit with Rakesh Om Bukrash Mehra again. Institution. And then lastly we did Fitur with Gattu with Abhishek Kapoor. He's like a older brother. Love him. Yeah. फिर उसके बाद निशा उसके कजन हुआ एंड लाइफ टुक अगेन दैट्स द टर्निंग पॉइंट. दैट्स द सेम ईयर वेयर वी स्टार्टेड आरएटी फिल्म्स, वेयर वी बिकेम प्रोड्यूसर्स. तो वो साल एक्चुअली, वो जो 2014 का जो साल था वो हमारी जिंदगी में बहुत, आज 10 साल होने को आए. एज आई टेल यू, हमारी बाली उम्र से अब बाली नहीं रही. अभी बाल में एक दो सफेद बाल आ गए. नॉट बाली नो मोर मैन. So yeah, that is the story. You have seen so much, you know, in your life, from struggle to success. Breakups. Yes, breakups. Okay, we'll add it. Breakups. How much grateful you are for this? I'm grateful for every moment right now. I'm so grateful to be here on this couch. It means a lot. I'm sitting on a Rajshri couch. It's a massive honor. I live every day like I can't believe it. मैं हर दिन उठता हूँ, मैं बोलता हूँ आई कॉन्ट बिलीव मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मुझे मेरे ये नसीब है कि मैं ये कर पाता हूँ. एंड आई कॉन्ट, मतलब ग्रेटफुल भी छोटा लफ्ज़ है. इट्स डिसबिलीफ एक्चुअली. ग्रेटफुल से भी मैं डिसबिलीफ है मेरा कि मैं इस मकाम पे पहुँच चुका हूँ कि मुझे इतनी मोहब्बत मिलती है. इट्स अनबिलीवेबल. आई समटाइम्स सोचता हूँ व्हेन आई रिवाइंड माय लाइफ 20 इयर्स अगो, आई एम लाइक शिट, आई वाज अ बॉय फ्रॉम बिड्डी बाजार, विशिंग एंड प्रेइंग कि एक दिन वो मैं तो ऐसा था, जब मैं फिल्म फेयर जाता था, फिल्म फेयर की पास निकल के ऐसे ही पहुंच जाता था. और अब एक फिल्म फेयर का जब इनवाइट आता है, मतलब ओ मंदिर का इनविटेशन आया भाई. इट्स लाइक दैट. सो कोई भी एक मैनिफेस्टेशन किया हो आपने और वो पूरा हो गया हो, यही तो इससे बड़ा मैनिफेस्टेशन क्या है. दैट आई यूज्ड टू ड्रीम, जब मैं लाइक आई वाज सेइंग इन दैट स्टोरी, जब मैं फिल्में देखता था और मैं सोचता था मैं इसमें कुछ भी कर लूं, कहीं भी पहुंच जाऊं. अपने वही जैसे मेरे प्रिंसिपल्स को लांगे बगैर
और वो मैंने कर दिया. अब आई फील लाइक विद कर्मा कॉलिंग, राइट, लाइक बिगेस्ट एग्जाम्पल टूडे व्हेन आई टॉक अबाउट कर्मा कॉलिंग, इट्स द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एनीबडी टू नेवर लूज होप. कि हम 10 साल पहले इसे बनाना चाहते थे, अब 10 साल के बाद, 10 साल बहुत बहुत लंबा वक्त होता है दोस्तों. इट्स वी एंड विद रवीना मैम, क्योंकि हम रवीना मैम के इतने बड़े फैंस हैं, वी लव रवीना मैम. हमने उनके साथ एक रील भी बनाई, तू चीज़ है बड़ी मस्त मस्त, तू चीज़ बड़ी. तो वो एक सपना था जब आप बचपन में, मैंने तो खैर मैं तो पैदा नहीं होता, मोहरा आई होगी तभी, पर आसपास होगा छोटा सा. तो आई रिमेंबर दैट सॉन्ग, राइट, और हम जब पार्टीज में जाते हैं वो गाना बजता है और टिप टिप बरसा पानी, एंड देन यू आर रवीना मैम को आप प्रोड्यूस कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो. डोंट आई मीन ऑब्वियसली वी ऑल्सो डायरेक्टेड शाहरुख एंड सलमान, एंड सलमान सर लॉन्च्ड अस, बट स्पीकिंग ऑफ कर्मा कॉलिंग फॉर 10 years, कि एक दिन कर दिखाएंगे. आई थिंक जिसको भी इस इंडस्ट्री में आना हो ना, एक बात समझ जानी चाहिए कि पैसे, बैकअप ये मत सोचिएगा, पैशन है तो आइएगा, अदरवाइज इस जगह में मजा नहीं है. यू टोल्ड मी, आपने अभी अपने कॉन्वर्सेशन में बोला कि सलमान सर लॉन्च्ड यू, ये किसी को नहीं पता है. आई वुड लाइक टू नो अबाउट. So he's not really launched us in terms of our career, in terms of, obviously because that credit technically goes to Sudhir because he got us out of college. But एक होता है ना, एक पर्टिकुलर, आप जब एडी हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब किसी लो लेवल पे होते हो ना, सब लोग आपको बड़ा बड़ा सराहते हैं, वेरी गुड वेरी गुड. जब आप किसी के इक्वल होते हो ना, दैट्स व्हेन द रियल टेस्ट इज वेदर दे कैन हैंडल यू, राइट. सब लोग बोलते हो चलो वेरी गुड बॉय, वेरी टैलेंटेड बॉयज. सो हम एक मकाम तक पहुँच गए थे, फिर उसके बाद एक लीप लेना था, दैट वी वर द बेस्ट फर्स्ट एडीज, वी वर द बेस्ट सेकेंड यूनिट डायरेक्टर्स. पर उसके बाद जब डायरेक्शन करना था, और दिस इज वे बिफोर आई डिड निशा, वे बिफोर आई बिकेम एन एक्टर. सो सलमान सर हैड नोटिस्ड अस व्हेन वी वर डूइंग बिग बॉस 4 के एड्स की, जब मिलन लूथरी आई वाज डायरेक्टिंग इट, ही हैड नोटिस्ड अस दैट वी हैव अ वेरी गुड एक्यूमेन फॉर डायरेक्शन. सो जब बिग बॉस 6 डायरेक्ट हो रहा था, जब बना रहे थे, सो हमारा नाम प्रेजेंट किया. तब तक हम एडवर्टाइजिंग, वी हैड बिकम एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर्स, तो हमारा नाम आया. एंड अलवीरा खान ऑल्सो, हु इज लाइक फैमिली, शी इज ऑल्सो रियली बिन अराउंड. Alvira and Atul, we always mention them because they are family and they've helped us a lot. Yes. They're always there for us. So then they also put our names forward, and then Salman sir said, those boys, okay. They said they'll get them. So we directed our first big campaign, right, of the Big Boss 6 campaign with Salman sir, with his blessings. And it's almost impossible for a new director to direct a commercial with Salman Khan, no way. It's only because he had love and faith, till today actually, he's always there for us. एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में बार बार घूम रही है. As a director and a producer, I would like to ask about the South cinema. Right. How is it that working अभी वहाँ पे? मैं देख रही हूँ हर मूवी में ना साउथ के एक्टर्स आर देयर. You know, they are taking South actors in the films. Right. What's the strategy और क्या चल रहा है South cinema with the Hindi cinema? Well, I don't think it is South cinema, Hindi cinema anymore. अभी क्या हो गया है? मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है. We have a looming threat of the West, right? अगर आप अपनी फिल्में देखोगे, आजकल थिएटर में हॉलीवुड की पिक्चर हमारी पिक्चर से ज़्यादा चल रही है. सो नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इट इज़ नॉट अबाउट साउथ नॉर्थ एनी मोर. द साउथ इंडियन फिल्म्स आर वर्किंग मोर बिकॉज वहाँ के जो लोग हैं, और मैं गया हूँ हैदराबाद, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम हैदराबाद. आई कल से ना पढ़ू मी पट्टी चेस्तिस्तानू, आई वुड लव टू डू सम तेलुगू वर्क ऑल्सो, प्लीज हू हैव वाज वॉचिंग. I love to play villain, anything. So I saw the industry. They're very different from us. They're a proper industry. They work time to time. Unka bada kamal hai, matlab clockwork pe chalta hai. So also unki jo film mein hit hue ja rahi hai. Pichle 10-15 saal mein na, their hit record, their trajectory is insane. And there the stars are worshipped like gods. Here we have only with our top 4-5 actors who have that godlike status. There it's insane. Yeah. Right. So. अभी हुआ क्या, वहाँ की फिल्में चलने लगी. हमारी फिल्में ऑनेस्टली वॉज नॉट डूइंग वेल, एवरीबडी नोज दैट. वी वर गोइंग थ्रू अ लीन फेज. सो इट स्टार्टेड टू मेक सेंस वेयर वी स्टार्ट टू ब्रिज एंड बिकम अ क्रॉस पॉलिनेशन. सो आई थिंक दैट क्रॉस पॉलिनेशन हेल्प्स बोथ पार्टीज. हमारे एक्टर जब वहाँ जाते हैं तो नॉर्थ इंडियन ऑडियंसेज वहाँ चली जाती है, जब साउथ एक्टर्स यहाँ आते हैं तो यहाँ की फिल्में और चलने लगती है. हम रीमेक्स तो बना ही रहे थे, लाइक आई लव वॉन्टेड, दैट इज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज इट्स अ रीमेक, राइट. उस जमाने में रीमेक भी मैं कुछ समझ नहीं आता था, मैं हम लोग जस्ट अभी सलमान सर से अभी वाकिफ ही हुए थे. सो आई लाइक बट व्हाट अ फिल्म, राइट. सो साउथ सिनेमा की फिल्में तो कमाल थी स्टार्टिंग से. इट जस्ट दैट व्हेन इट द नंबर्स दैट इट स्टार्टेड टू डू विद द कमिंग ऑफ बाहुबली एंड ऑल दीज थिंग्स,
then the world started to take notice. And now even with Bollywood and Bollywood care Hindi film industry, when we started to come together, we are just becoming a force to reckon for the world now. Right. And even as an actor, it's such a dream, because koi actor mere hisab se nahi chahega ki yaar main ek hi prakar ka kaam karta rahu. Wo 90s ka zamana alag tha ki audience accept nahi karti. Jaise I loved one of my favorite films of Shah Rukh is Paheli. I love it, such a sweet film. Mm-hmm. But he himself, like, and because I was doing fan with him, mm-hmm. and we've directed him also, we've produced him also, so we've had a very close bond with him. And you know, he always said, yaar, he said, you know, sometimes stars have to be prey to their own selves. Right, because you can't, the moment you deviate, then your audience goes. And the number one thing why we are making cinema is for the audiences, right? Correct. For guys like me, correct. Who are sitting there in the hall and saying, "Ho ja rangila re," you know. So I feel that is what is going on. Strategy is very simple. We, as an Indian film industry, need to come together to combat what's actually coming, and also, hamari khud ki audiences mein kitna maza aayega when you see Vijay sir and all, Surya sir, all these people, like these actors are insane, like. Fahad Fazil, oof, performances. So I also enjoy, and honestly, mujhe bhi pata nahi tha that they even exist. In the last 5-7 years now, we are becoming more aware. Mahesh Babu sir, he looks the same that he did 15 years ago. Kya cream lagate mere ko unko puchna hai kabhi opportunity mile to mere ko. So I love them. Yeah, so it's a great time for us. Actually, very informative, you know. I would like to end here, yeah. End the conversation. You know, it's always fun talking to you. Thank it's you. Always so informative about cinemas, about the things going around cinema. Thank you so much for your time. It means a lot, Jaya. Thank you so much. Guys, and please don't forget to watch Karma Calling on the 26th of January. It'll mean a lot to me. And please, Instagram pe batayega kaisa laga. Acha laga. Hopefully, bura na lage, nahi to pitunga main. Hello, everybody. I'm Tahir Shabbir, and you're watching me on Bollywood Now. Love you.